पीपीसी चैनल, पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती शम्मा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती शम्मा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, हालेलुया,
जी जितने भी बहन भाई मुझे पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम टाउनशिप फैमिली में मौजूद हैं। भाई कासम की फैमिली और साथ उनके चाचू हैं और उनकी सारी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। हम शुक्रगुजार हैं आज भाई कासम के लिए, उनकी फैमिली के लिए। बहन खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और बड़ा अच्छा लगा छोटे बच्चों के साथ जो उन्होंने आज वेलकम किया। सो खुदावंद आप लोगों को आज के दिन के लिए बहुत सारी बरकत दे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब खुदा के खादमों को वेलकम किया जाता है, तो मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपके सारे घराने के लिए बहुत सारी बरकत चाहूँगा। और खुदावंद आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर करे। हमारे साथ भाई कासम है। कासम भाई मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने वेलकम किया, और बहन भाई आपको पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पीपीसी चैनल जब सुबह के टाइम उठ कर देखते हैं, हमें बहुत बरकत मिलती है। और जब मैं काम पर जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खुदा का कलाम सुनूँ और बरकत हासिल करके फिर जाऊँ, और सब भाइयों को ऐसे ही करना चाहिए। जी जी कासम भाई, बड़ी अच्छी बात है कि जब पीपीसी चैनल पर गीतों की नशरियात चलती है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम सुबह उठते ही खुदावंद की जो प्रसी सुनते हैं, तो प्रसी सुनने से सारा दिन जो गीतों की जो आवाज़ है, उनकी जो गूंज होती है, हमारे साथ होती है। तो खुदावंद जब आप सुबह अपनी जॉब पर निकलते हैं, तो खुदावंद रास्ते में आपकी हफाजत निगेबानी करे। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह नाज़रीन, जिस तरह आपको पहले भी बताया गया है कि आज हम टाउनशिप में मौजूद हैं, और टाउनशिप में कासम भाई, उनकी सारी फैमिली है, खुदावंद इनको बहुत सारी बरकत दे। इसी तरह हमारे साथ ही घर के मेन बड़े सरबराह भी हैं, खुदा ने इनको भी बड़ी बरकत दी हुई है। और इनकी एक गवाही है कि अपनी ज़िंदगी में ये बहुत सारे ऐसे जो शराब जैसी लानत बुरी जो थी इनकी ज़िंदगी में, वो था, और इन्होंने आज कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले इन्होंने तौबा भी कर ली, और ये अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं। तो जो बहन भाई आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप क्या अपनी गवाही शेयर करना चाहेंगे? मसीह कलीसिया को मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम इम्तियाज मसीह है जी जी, और मैं शराब में बहुत मुतला था, जरूर जुए में जुआ भी बहुत खेलता था, और मैं सारी ज़िंदगी मैंने यही करा। मैं नहीं समझता था कि मैं ये छोड़ के, जुआ और शराब छोड़ के मैं अच्छी दुनिया में आ जाऊँगा, खुदा उनकी राह पे चलूँगा। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि मैंने 8 महीने हो चले कि मैंने शराब और जुआ को किनारा कर दिया और छोड़ दिया, और खुदा उन की इसमें बरकत हो और आप सबकी दुआओं का सिला हो कि मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी छोड़े रखूँ। वैसे तो दुनिया छोड़ती है और फिर पकड़ लेती है, फिर शुरू हो जाती है, लेकिन मेरा काम ऐसा नहीं है, मेरा ज़मीर ऐसा नहीं कि मैं दोबारा शुरू करूँ ये काम। जी जी खुदा आपको बरकत दे जी। आमीन। कि पहले ये शराब पीते थे, लेकिन 8 माह पहले इन्होंने तौबा की, और इन्होंने आज तौबा कर ली है। 38 साल से ये शराब पी रहे थे। लेकिन जितने भी बहन भाई मुझे टीवी पर देख रहे हैं, नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाहिद एक तौबा है कि जब हम तौबा करेंगे तो हम खुदा की बादशाही को हासिल कर सकेंगे। तो जितने भी बहन भाई मुझे टीवी पर देख रहे हैं, अगर आप किसी बुरी लानत में मुंतला हैं, तो ज़रूर अपने आप को आज खुदा के हजूर झुकाएं, तौबा करें, ताकि खुदा की जो बादशाही है उसको आप हासिल कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को खुदा की हजूरी में लाएं और तौबा करें, ताकि आप भी खुदा की निजात को हासिल कर सकें। इसी तरह भाई कासम की, जैसे पहले भी बताया गया है कि उनकी आज हम फैमिली में मौजूद हैं, हम कासम भाई की फैमिली में एक और भाई मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अपने बहन भाइयों को वो भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ज़रूर। भाई आपको टीवी पर कलीसिया देख रही है, आप पीपीसी चैनल को देखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो क्या अपनी गवाही कोई ऐसा बहन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये कोई बार नीचे हम जब सुबह गीत सुनते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बरकत मिलती है। जी जी, इसी तरह हम बहुत ना कर्जे में फंसे हुए थे, तो जो वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने ये कलाम सुनना शुरू किया तो हमें ये बरकत मिलना शुरू। जी जी खुदा आपको बरकत दे।
जी नाजरीन, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हम कर्ज़े की लानत में फंसे हुए थे और हमने खुदा के आगे दुआ की, लेकिन वाहिद खुदा है कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाता है, परेशानियों से निजात दिलाता है, और बहुत सारे ऐसे जो बुरे काम हैं वाहिद खुदा है जो हमें निजात देने वाला है। तो आए नाजरीन, जितने भी बहन भाई मुझे टीवी पर देख रहे हैं, कोई भाई किसी मुश्किल में है, वो बहन भाई जिनके पास जॉब नहीं, अगर कोई बीमारी में है, वो बहनें जिनके यहाँ औलाद नहीं, आए नाजरीन हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी तमाम परेशानियाँ हम अपने खुदा के हजूर रखेंगे। और आज हम ख़ास तौर पर भाई कासिम के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे। आए हम अपने सब सरों को झुकाएं और अपनी तमाम दरख्वास्तें हजूर खुदा के हजूर रखते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू जिंदा आसमानी खुदा है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है खुदावंद। आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, सारे दिन के लिए आपने हमारी हिफाजत निगहबानी की। और खुदावंद हम जहाँ कहीं भी आज बैठे, जहाँ कहीं भी जिस बहन भाई से मिले खुदावंद, हम तेरे नाम में मिले, और खुदावंद आने वाले वक्त में लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तो आप हमारे साथ होना सारे दिन के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आपने हमारी हिफाजत निगहबानी की। और खुदावंद तेरा खादम होते हुए अभी इस फैमिली के लिए, कासिम भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं खुदावंद। तो हमें बड़ी बरकत देना खुदावंद, ताकि कासिम भाई और इनकी फैमिली खुदावंद इसी तरह तेरे नाम में पढ़ते रहें, तेरे नाम की गवाही देते रहे खुदावंद। और खुदावंद यहाँ इस जमात में जितने भी बहन भाई मौजूद हैं, हर एक के लिए तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार चाहता हूँ खुदावंद। तो अपना पाक शफकत वाला हाथ खुदावंद यसुब आप इन पर रखना, और अगर खुदावंद इनके घर में कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो खुदावंद यसुब आप तेरे नाम में दूर हो खुदावंद। उन बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद जो इस वक्त टीवी के आगे बैठे हुए हैं खुदावंद, कोई मुश्किल में है, कोई बीमारी में है खुदावंद, खुदावंद आज तेरा पाक शफकत वाला हाथ खुदावंद यसुब आप इनके लिए चाहता हूँ खुदावंद। तो अपना पाक शफकत वाला हाथ खुदावंद यसुब आप तो इन पे रख, अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, तो खुदावंद यसुब आप तेरे नाम से तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ दूर हों खुदावंद। उन फैमिलीज़ के लिए, बहनों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद जिनके पास औलाद नहीं, खुदावंद तू नेमतें अता करने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, तो खुदावंद औलाद जैसी नेमतें खुदावंद उन फैमिलियों के लिए, बहनों के लिए चाहता हूँ खुदावंद, ताकि जब वो इस खुशियों को पाते हैं तो खुदावंद यस्सु बाब वो तेरे नाम में बढ़ सके, तेरे नाम की गवाही दे सके खुदावंद। एक बार फिर खुदावंद भाई कासिम के लिए, इनकी मिसिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद, जब ये अपनी जॉब पर निकलते हैं तो खुदावंद रास्ते में इनकी हफाजत निगहबानी करना, ताकि ये खैरियत से वहाँ पे पहुँचे और खैरियत से अपने घर लौट कर खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सके। इनके रुपये पैसे के लिए तुझसे तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं, ताकि ये रुपया पैसा ना कि कमी कमजोरियों के लिए, ना कि बीमारियों के लिए, ये रुपया पैसा तेरी खुशियों के लिए इस्तेमाल हो सके खुदावंद। तो इनको छूना, इनको बड़ी बरकत देना खुदावंद, जिस तरह आज तेरे खादम को खुदावंद इन्होंने वेलकम कहा, इन्होंने तेरे खादम की इज़्ज़त की खुदावंद, इसी तरह खुदावंद इनको बड़ी बरकत देना, ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद बहुत सारे ऐसे जो खादम हैं खुदावंद जो खिदमत करते हैं खुदावंद, उनको खुदावंद ये वेलकम कह सकें, और तमाम खुशियाँ खुदावंद ये तेरे हजूर बाँट सके खुदावंद। इनको छूना, इनको बड़ी बरकत देना, इनके बच्चों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं खुदावंद, तो उनको भी छू, इनको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर चढ़े, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। पीपीसी चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदावंद बहुत सारी बरकत दे। पीपीसी चैनल की तमाम नशरियात
आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पीपीसी चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि पीपीसी चैनल के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।